सुनाए डेली HD न्यूज। तीनों लोकों में हनुमान जी को सर्वशक्तिमान और प्रभु श्री राम का परम भक्त माना जाता है। हनुमान जी भगवान शंकर के 11वें अवतार थे, जिन्हें रुद्र अवतार भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का जन्म 8 से लगभग 1,85,59,115 वर्ष पहले मंगलवार के दिन चैत्र पूर्णिमा को मेष लग्न और चित्रा नक्षत्र में प्रातः 6:03 पर हुआ था। हनुमान जी के पिता का नाम केसरी था, इसलिए उन्हें केसरी नंदन भी कहा जाता है। पवन देव के मुंह बोले पुत्र होने की वजह से मारुति नंदन भी उन्हें कहा जाता है। मारुति अर्थात पवन अर्थात वायु, इसलिए उन्हें मारुति नंदन कहा जाता है। महाबली हनुमान को महावीर नाम से भी जाना जाता है। सभी संकट से पार लगा देते हैं, इसलिए संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी को बालाजी और हनुमते नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों और हनुमान चालीसा में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि हनुमान अपने पूजक को शौर्य साहस और जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। वह अपने भक्तों के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं और खुशी तथा संतोष लाते हैं। वर्ष 2022 में हनुमान जन्मोत्सव चैत्र पूर्णिमा 16 अप्रैल शनिवार को देश भर में धूमधाम से मनाया गया। दिव्य अहिल्या की नगरी इंदौर में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर अनेक आयोजन सम्पन्न हुए। शहर के सभी हनुमान मंदिरों को विशेष रूप से सजाया गया। हनुमान जन्मोत्सव पर शहर के कई क्षेत्रों में उत्सवी माहौल दिखाई दिया। शहर में कई स्थानों पर हनुमान जयंती महोत्सव 3 दिनों तक मनाया गया। इस दौरान जगजीवन रामनगर MIG मेन रोड के पास श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर पर 3 दिनों तक श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर समिति के तत्वाधान एवं संतोष यादव की अगुवाई में विशेष आयोजन संपन्न हुए। यहां पर हनुमान जयंती जन्मोत्सव के दिन प्रथम दिवस पर रामायण जी के पाठ के साथ ही सुंदरकांड का पाठ एवं भजन सरिता का आयोजन किया गया। आयोजक संतोष यादव एवं सतीश यादव ने बताया कि आयोजन के दूसरे दिन बीकानेर राजस्थान से पधारी सुप्रसिद्ध भजन गायिका कौशल्या रामावत एवं पूजा रामावत ने सुमधुर भजनों की प्रस्तुति देकर हजारों की संख्या में उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक रमेश मेंदोला मुख्य रूप से उपस्थित थे। आयोजन के तीसरे एवं अंतिम दिवस पर 19 अप्रैल मंगलवार शाम को महाआरती एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बागच आष्टा से महाराज श्री मनमोहन दास जी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। संतोष यादव एवं सतीश यादव ने महाराज श्री का मालवी परंपरा के अनुसार साफा बांधकर एवं पुष्पहार व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। महाआरती के पश्चात महाप्रसादी का विशाल आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक भक्तों ने महाप्रसादी का लाभ लिया। आयोजन का यह 31वां वर्ष था। इसलिए हो रही कि धर्म का प्रचार हो और लोगों में महाप्रसादी लेने से उनके विचार सत्य होते हैं, क्योंकि कोई भी महाप्रसादी लेने से मनुष्य का मन शीतल होता है और उसके विचार शुद्ध होते हैं। दूसरा, जो भजन संध्या की थी वो भी इसलिए करवाई गई थी कि धर्म का सनातन का प्रचार हो, सनातन और आगे बढ़े, लोग उसके तरफ जुड़े और सभी धर्म की जय जयकार करें, क्योंकि धर्म की रक्षा करना हमारा दायित्व है। धर्मो रक्षते रक्षति, भगवान कृष्ण के को गए थे और भगवान राम ने भी कहा था, गौ दुधनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। तो हमारा जीवन जो मिला है वो धर्म की रक्षा करने के लिए मिला और धर्म हमारी रक्षा करे। सनातन का उद्देश्य भी यही है और सनातन ही ईश्वर है और ईश्वर ही सनातन है, क्योंकि धर्म इसलिए किया जाता है कि धर्म का उत्थान हो और सभी में भाईचारा हो, सभी में शांति हो और सभी के लिए कृपा रहे, विश्व में शांति रहे, भारत में शांति रहे, इसलिए किया जाता। भंडारा भी हनुमान जी महाराज का इसीलिए किया जाता है और जो भी हुआ भजन संध्या हुई वो भी इसलिए करें कि लोग को शांति मिले, इंदौर के अंदर शांति रहे और धर्म के कार्य होते रहें, लोगों की भावनाएं अच्छी उत्पन्न हो, इसीलिए किया जाता। जय सियाराम। इंदौर अधिनियम के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 के अंतर्गत जगजीवन रामनगर में यादव बंधुओं द्वारा अपने खुद के दम पर ये 3 दिवसीय कार्यक्रम किया गया, जिसमें 2 दिन भजन संध्या भी हुई, अनेक कार्यक्रम किए। आज विशाल भंडारा रखा गया, सबसे बड़ा भंडारा ये इस क्षेत्र का है, इसमें अपने दम पे अपने बूते पे रखा है। कोरोना काल के लंबे समय के बाद ये भंडारे में लोगों का उत्साह देखते बनता है।
इनकी जो भावना समर्पण और संवेदनशीलता है धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, वो काबिले तारीफ है। और इस तरह के आयोजन हमारे यादव बंधु लगातार करते आए हैं और ईश्वर निश्चित रूप से इन लोगों को जीवन में आगे काफ़ी बढ़ाएगा। सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, निश्चित रूप से यादव बंधु का कार्य बहुत सराहनीय है और ये एक दिन अच्छा मकाम हासिल करके ऐसी शुभकामनाएं पूरे धार्मिक जितने लोग जुड़े हुए हैं इस आयोजन। ये प्रसिद्ध श्री खेड़ापत हनुमान मंदिर है, यहाँ पे 31 वर्ष हुआ जो हम इस आयोजन कर रहे हैं और 3 दिवसीय प्रोग्राम का आयोजन करते आ रहे हैं। क्या क्या आयोजन हुए 3 दिनों के अंतर्गत? सबसे पहले हमने रामायण बिठाई थी, रामायण का पाठ हुआ और उसके शाम को सुंदरकांड और कुछ भजन की प्रस्तुति हुई। और आज क्या आयोजन हुआ? इसके बाद हमने 17 तारीख को एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया था, उसमें राजस्थान की गायिका कौशल्य रामावत पूजा रामावत आई थी और भजन की प्रस्तुति थी। उसमें मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय जी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव थे और रमेश मंदल जी आए थे और सावन शंकर जी आए थे, सत्यनारायण पटेल जी आए थे और इसमें हजारों की तादाद में लोगों ने भजन संध्या सुनी और उनको सबको अच्छी लगी और आनंद लिया। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ा आयोजन, यहाँ पर आज किस तरह का आयोजन और कितने लोगों का है? यहाँ पे एक विशाल महा भंडारों का आयोजन किया गया है, महाप्रसादी का। यहाँ से करीब 25 से 30 हज़ार लोगों का भंडारा होता है और हर साल जैसे आप देख रहे हैं इस प्रकार से चलता आ रहा है। आज हमने गुरु महाराज भी देखे हैं, कहाँ से आए थे, उनका परिचय क्या? हमारे गुरु महाराज जी ये अपने आस्था से आए थे, बागचा से, मोहन दास जी महाराज जी थे हमारे,